विगत 25 अप्रैल को जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा कला मुख्य पथ पर हुए नकदी समेत मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट कांड का पलामू पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया। लूटकांड में शामिल सभी चार अपराधियों को पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल व नकदी समेत गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना प्रभारी ममता कुमारी के नेतृत्व में गठित पुलिस बल ने लूटकांड में शामिल लेस्लीगंज पुरनाडी निवासी अपराधी आदर्श सिंह उर्फ बिट्टू, जो फिलहाल बारालोटा में ही किराए के मकान में रहकर कई छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है, उसे बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि सिकंजे में आया अपराधी आदर्श सिंह के निशानदेही पर ही रेड़मा निवासी आकाश सिंह, बारालोटा निवासी गोलू कुमार उपाध्याय और बिट्टू कुमार की गिरफ्तारी भी कर ली गई। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माता ने प्रेस वार्ता के दौरान लूटकांड का खुलासा करते हुए अनुसंधान में शामिल महिला थाना प्रभारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि महिला थाना प्रभारियों ने कांड का सफलतापूर्वक अनुसंधान करते हुए अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया। अप्रैल को जो है शंभुनाथ मेहता की जो है बाइक की लूट की घटना दर्ज हुई थी। बाइक तो 100 डायल पर फोन करने के पश्चात जो है अचानक पुलिस का मूवमेंट बड़ा बनने के कारण 4 जो अपराधकर्मी थे वो बाइक छोड़ के भाग गए। बाइक उसी समय बरामद कर ली गई थी, लेकिन 700 रुपया और 2 मोबाइल उनका छीन लिया गया था। तो इसको हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर थाना प्रभारी सदर ममता कुमारी और थाना प्रभारी महिला दुल्लर चोड़े ने इसमें बढ़िया अनुसंधान करके, तकनीकी अनुसंधान करके 4 अपराधकर्मी आदर्श उर्फ बिट्टू सिंह जो पुरनाडी लेस्लीगंज का है, बाकी बिट्टू कुमार, आकाश सिंह और गोलू कुमार उपाध्याय जो कि डाल्टनगंज के ही रहने वाले हैं, इन 4 अपराधकर्मियों को जो है मोबाइल के साथ लूटी हुए मोबाइल के साथ, 3 मोबाइल के साथ, उसके बाद जो है पल्सर मोटरसाइकिल जिसका लूट में उपयोग हुआ था उसके साथ और एक ग्लैमर मोटरसाइकिल जो है उसके साथ जो है अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें एक अच्छी भूमिका है कि 100 डायल ने बहुत अच्छा कार्य किया था और दूसरा टाल्टनगंज में जब ये दोनों महिला पुलिस पदाधिकारियों की थाना प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है तो इन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत के साथ अच्छा काम किया है और इसके लिए हम लोग एक तरह से एक महिला सशक्तिकरण या महिला के हाथों में जब आप कोई जिम्मेदारी देते हैं तो कहीं ना कहीं महिला उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है, ये एक मैसेज जाता है। तो ये एक दोनों तरह का मैसेज है कि अपराध नियंत्रण में और अपराध के अनुसंधान में हमारी महिला पुलिसकर्मी कहीं भी पीछे नहीं है।